हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकबेथ, जो कि विलियम शेक्सपियर का एक ट्रेजेडी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेजेडी है। जैसा कि आप जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे हैं, जिसमें से ट्रेजेडीज, कॉमेडीज और ट्रेजिक कॉमेडीज भी उन्होंने लिखा है। और मैकबेथ जो है उनके ग्रेट ट्रेजेडीज में एक है। उनके अन्य ट्रेजेडीज में नाम आता है ओथेलो का, हैमलेट का और किंग लियर का, और चौथा जो है वो है मैकबेथ। तो ये मैकबेथ कब लिखा गया, इसमें क्या है, इसके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, अगर आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखेंगे, आई प्रॉमिस कि आप कभी भी कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी नहीं छोड़ेंगे और कहानी आप कभी नहीं भूलेंगे। चूंकि यह पूरा वीडियो जो है वो पिक्टोरियल है और पिक्चर के साथ मैं आपको बताने वाला हूं, एक फिल्म की तरह आप देखेंगे और सब कुछ आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मैकबेथ के बारे में। तो ये ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर माना जाता है। और शेक्सपियर, जिनका जन्म 1564 में हुआ था और उनकी मौत 1616 में हो गई थी, यह जो ड्रामा है वो 5 एक्ट्स का है और 1606 से लेकर 1607 के बीच में इसको लिखा गया और फर्स्ट फोलियो में इसे पब्लिश किया गया था 1623 ईस्वी में। ठीक है, इस प्ले के बारे में कहा जाता है कि दिस इज द शॉर्टेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज, और यह शेक्सपियर के ट्रेजेडीज में सबसे छोटा ट्रेजेडी यह है, क्योंकि इसमें सब प्लॉट्स नहीं है, डाइवर्जेंस नहीं है, भटकाव नहीं है। ठीक है, और यह दिखाता है कि मैकबेथ जो है एक पागल जैसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति है, जो पागलपन है वो है उसके एम्बिशियस होने के कारण, जो उसकी जो महत्वाकांक्षा है उसके मौत का कारण बनती है। उसके कारण वह कई अपराध, कई मर्डर्स वो करता जाता है और फाइनली उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये मैकबेथ के बारे में इतना जरूर आप याद रखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स को अगर आप समझ जाएंगे तो यह ड्रामा समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। शुरू करते हैं। यहां जो कैरेक्टर्स है वहां पे आप सबसे पहले देख रहे हैं मैकबेथ, जो कि आर्मी जनरल ऑफ स्कॉटलैंड है। ये स्कॉटलैंड के आर्मी का जनरल है। इसकी पत्नी है लेडी मैकबेथ। ठीक है, अगला जो कैरेक्टर वो है किंग डंकन। डंकन जो है वो स्कॉटलैंड का राजा है। उसके दो बेटे हैं, मैलकम और दूसरा है डोनल बेन। तो ये मेन कैरेक्टर्स हैं यहां। अगले जो कैरेक्टर्स हैं वो है बैंको। बैंको जो है वो भी आर्मी जनरल है डंकन के आर्मी में, स्कॉटलैंड में, और वो मैकबेथ का फ्रेंड है। फ्लियंस जो है वो बेटा है बैंको का। इसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट्स भी दिखाए गए, जिसमें 3 डायने हैं और ये 3 विचेस जो हैं वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल निभाती हैं मैकबेथ के जीवन को बर्बाद करने में। हिकेट जो है वो है द गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट, यानी जादू और जादू टोने की वह देवी है, जिसका नाम हिकेट है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टर्स। अगले जो कैरेक्टर्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मैकडफ का, जो ओपोनेंट है मैकबेथ का, वह मैकबेथ के खिलाफ रहता है हमेशा, और यही वह व्यक्ति है जो मैकबेथ की हत्या करता है। अगला जो कैरेक्टर है वो रॉस है, यह मैकडफ का सपोर्टर है। यंग सीवार्ड, ओल्ड सीवार्ड, ये दोनों सपोर्टर हैं मैलकम के। तो इस तरीके से कैरेक्टर्स हैं, और भी छोटे मोटे कैरेक्टर्स हैं जो आपको कहानी बताते समय बताऊंगा। चलिए अब हम लोग इस ड्रामा की शुरुआत करते हैं। Act 1, Scene 1 से शुरुआत होती है। द प्ले ओपन्स विथ 3 विचेस, यहां 3 डायनों को दिखाया गया है जो एक जगह जमा है और थंडरिंग हो रही है, लाइटनिंग हो रही है। यह जो एरिया है वह एक बैरन लैंड है, जहां से होकर मैकबेथ और बैंको गुजरने वाले हैं। दोनों आर्मी जनरल ऑफ स्कॉटलैंड जो हैं वो वहां से गुजरने वाले हैं और ये लोग प्लान कर रही हैं कि ये लोग मिलेंगी मैकबेथ से, और उस शाम जब ये, यानी मैकबेथ और बैंको, युद्ध को जीतकर लौट रहे हैं, और ये शाम का समय है। ठीक है, अब Scene 2 दिखाई पड़ता है। डंकन के कैंप में, जो राजा है उसके कैंप में, एक घायल कैप्टन आता है और
ब्रेव मैकबेथ यानी मैकबेथ के बहादुरी के बारे में, बहादुर मैकबेथ के बारे में बताता है कि कैसे उसने लड़ाई लड़ी है, रिबेल फोर्सेस को हरा दिया है, जो मैकडोनाल्ड नाम का एक रिबेल फोर्स लेकर आया था यानी विद्रोही था, उसको कैसे हरा दिया है मैकबेथ ने। यह कैप्टन समाचार लेकर आता है, यह सीन टू है। वह यह भी रिपोर्ट करता है कि देयर वॉज अ फ्रेश असॉल्ट फ्रॉम नॉर्वेजियन ट्रूप्स आफ्टर दे हैड डिफीटेड मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड के हराने के बाद भी नॉर्वेजियन आक्रमणकारी जो हैं वो फिर से अटैक करते हैं और मैकबेथ और बैंको दोनों ने मिलकर उनको हरा दिया है और दोनों लोग लौट रहे हैं। ठीक है, उनको हराकर लौट रहे हैं। डंकन जो है इस घायल कैप्टन को शाबाशी देता है और उसे कहता है कि आप जाकर सर्जन से अपना इलाज करवा लीजिए, और इसके बाद यह सीन खत्म हो जाता है। तभी रॉस जो है वो आता है और वह लेकर एक न्यूज आता है जीत की। ठीक है, फाइफ से जो जगह का नाम है, कैसे नॉर्वेजियन किंग को हरा दिया गया है और वह ट्रीटी के लिए यानी संधि, शांति संधि के लिए वह तैयार है, और रेबेलियस थेन ऑफ काउडोर, एक काउडोर का एक थेन है, एक पद होता है, उसे कैप्चर कर लिया गया है, या आप कह सकते हैं कि वहां का जो शासक है उसको कैसे कैप्चर कर लिया गया है, और डंकन जो है वो आदेश देता है कि उसे फांसी पर लटका दिया जाए, और उसके जगह पर जो थेन ऑफ काउडोर का यह जो टाइटल है वो मैकबेथ को दे दिया जाए, और मैकबेथ को थेन ऑफ काउडोर बना दिया जाता है क्योंकि अब वहां का जो शासक था उसको डेथ पनिशमेंट दिया गया है। अब एक्ट वन सीन थ्री क्या दिखाई पड़ा, ये तीनों जो विचेज हैं वो हीथ में इंतजार कर रही हैं, उस डिजर्टेड लैंड में इंतजार कर रही हैं, और जैसे ही वो देखती हैं कि मैकबेथ और बैंको उनके नजदीक आ रहे हैं, वो स्पेल जादू पैदा करती हैं, कास्ट स्पेल, और द मेन एनकाउंटर द विचेज दैट लुक नॉट लाइक द इनहेबिटेंट्स ऑन द अर्थ, यानी वो दिखाई पड़ती हैं ऐसा जैसे कि वह धरती की निवासी है ही नहीं। ये तीनों चूंकि सुपर नेचुरल एलिमेंट जैसे हैं तो वो मिलती हैं किससे, मैकबेथ और बैंको से। विचेस जो हैं वो मैकबेथ को सबसे पहले कहती हैं थेन ऑफ ग्लैमिस, उसके बाद उसका नाम बोलती हैं थेन ऑफ काउडोर, और वह कहती हैं कि तुम स्कॉटलैंड के राजा हो। तो इस तरीके से बड़ा सरप्राइज हो जाता है मैकबेथ, क्योंकि ये लोग भविष्यवाणियां करती हैं और कहती हैं कि आप थेन ऑफ ग्लैमिस हैं, थेन ऑफ काउडोर हैं मैकबेथ को, और फिर आप राजा भी बनेंगे स्कॉटलैंड के। बैंको जो है वो कहता है कि ये सब विश्वास करने के लायक है नहीं और डरने की भी कोई बात नहीं है, लेकिन वह अपना भविष्य भी जानना चाहता है। तो जैसे ही वह पूछता है अपने भविष्य के बारे में, दे प्रेडिक्ट, वे भविष्यवाणी करती हैं कि उसके बच्चे जो हैं वो राजा बनेंगे और बैंको राजा नहीं बन सकता है। तो ये भविष्यवाणी का सीन दिखाई पड़ता है यहां एक्ट वन के सीन थ्री में। ठीक है, इसके बाद मैकबेथ जो है वो जानना चाहता है कि यह जो प्रेडिक्शन है, यह जो भविष्यवाणी की जा रही है उसके बारे में सच है या नहीं है। तभी वह पूछता है कि जो थेन ऑफ काउडोर है वो तो जिंदा है, तो कैसे बन सकता है वहां का थेन ऑफ काउडोर। तभी क्या होता है, रॉस और एंगस दोनों पहुंचते हैं और मैकबेथ को सूचना देते हैं कि अभी अभी उन्हें यह बताया गया है कि अब मैकबेथ जो है वो थेन ऑफ काउडोर है, क्योंकि किंग डंकन ने यह धन्यवाद के साथ यह टाइटल जो है वो मैकबेथ को दिया है, क्योंकि उन्होंने वैलियंट एफर्ट के साथ बैटल में अपने विरोधियों को हरा दिया है। तो मैकबेथ बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि वह कैसे थेन ऑफ काउडोर बन गया, साथ ही साथ थेन ऑफ ग्लेमिस भी बन जाता है ये। ठीक है, तो इस तरीके से सीन थ्री में ही सब कुछ होता है। मैकबेथ सोचता है कि ये जो सुपर नेचुरल जो सॉलिसिटिंग है, जो प्रोफेसी की जा रही है, वो रियलाइज करता है क्या वो सचमुच राजा बन जाएगा, और यह कैसे पॉसिबल है जब तक कि डंकन जिंदा है। तो डंकन को अब क्या करना पड़ेगा, क्या उसकी हत्या करनी पड़ेगी, इस तरीके से वह सोचने लगता है। बैंको और मैकबेथ जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो विचेस से बाद में
इन प्रोफेसिस के बारे में आकर मिलेंगे और बातें करेंगे। लेकिन यहीं से ये जो एम्बिशन है या जो महत्वाकांक्षा है मैकबेथ के अंदर, वो बैठ जाती है कि वह आने वाले समय में स्कॉटलैंड का राजा बनेगा, ठीक है, और यह चीज उसके मन में हमेशा के लिए बैठ जाता है। सीन फोर क्या होता है, किंग डंकन जो है वो काउडोर के थेन को फांसी पर चढ़ाने के लिए कहता है, और किंग डंकन का बेटा जो है मैल्कम वो रिपोर्ट करता है कि वह बहुत ही आसानी से कन्फेस कर लिया है और वह बहुत ही सम्मान के साथ मौत को गले लगा लिया, यानी थेन ऑफ काउडोर जो था वो मर चुका है। सीन फोर में ही मैकबेथ और बैंको जो है साथ साथ रॉस और एंगस ये सारे लोग डंकन की पार्टी में आते हैं। डंकन जो है वो बहुत धन्यवाद देता है दोनों को, क्योंकि उन्होंने बहुत ही शानदार जीत हासिल की है, और अपने बेटे मैल्कम जो सबसे बड़ा बेटा है मैल्कम उसे कहता है कि उसके मौत के बाद वही राजा बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सीन फोर दिखाई पड़ता है। डंकन जो है वो कहता है कि अब वह मैकबेथ के घर पहुंचेगा, उसके महल में जाएगा और वहां पार्टी करेगा, ठीक है, और वो सेलिब्रेट करेगा वहां। मैकबेथ जो डिसाइड करता है और अपनी पत्नी को बताना चाहता है, और वह एक पत्र भेज देता है अपनी पत्नी को यानी लेडी मैकबेथ को, यह बताते हुए कि उसके घर राजा और बहुत सारे लोग जो हैं आने वाले हैं, और वह सारी सूचना अपनी पत्नी को भेज देता है। और मैल्कम जो है अब एक स्टेप आगे बढ़ चुका है और वह सोचता है कि अब मैल्कम जो है वो राजा बनेगा, तो इसके राजा बनने के पीछे क्या कहानी है, आगे क्या होने वाला है, ये मैकबेथ के दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। अब एक्ट वन सीन फाइव में क्या होता है, लेडी मैकबेथ जो रहती है वो पढ़ती है जो हस्बैंड ने यानी मैकबेथ ने उसको भेजा है लेटर को, और वह उसमें बताता है कैसे डायनो से उसकी मुलाकात हुई है, विचेस से उसकी मुलाकात हुई है, और वो डरती है कि इसका पति जो है बहुत ही सिंपल आदमी है, बहुत ही काइंड आदमी है, वो कैसे सब कुछ कर पाएगा और कैसे वह गद्दी तक पहुंच पाएगा, ठीक है। सो शी वॉन्ट्स हिम टू कम होम क्विकली, वह चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके मैकबेथ घर आ जाए और वह अपने पति के कानों में कुछ एम्बिशन की बातें डालना चाहती है, महत्वाकांक्षी बातें डालना चाहती है, ताकि वह राजा बनने के लिए उपयुक्त हो जाए, तैयार हो जाए और वह रानी बन सके। तो लेडी मैकबेथ भी मैकबेथ से ज्यादा एम्बिशियस है, ओवर एम्बिशियस है, जहां पर यह कारण बनती है मैकबेथ की बर्बादी का, ठीक है। लेडी मैकबेथ भी बहुत ही ओवर एम्बिशियस है। इसी सीन में शी इज इंटरप्टेड बाय द न्यूज दैट द किंग इज कमिंग टू द कैसल, कि कैसे किंग डंकन जो है वो भी उसके महल में आ रहा है, और मैकबेथ जो है वो कैसे रास्ते में है, और वो सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। शी सेलिब्रेट्स द फैटल एंट्रेंस एंड डंकन इनटू देयर होम, और यह देखती है कि कैसे राजा इसके घर आ चुका है, और वह एक मर्डर का प्लान बनाती है, ठीक है। मैकबेथ अराइव्स होम एंड लेडी मैकबेथ इमीडिएटली प्लांट्स द सीड ऑफ हर मर्डरस इंटेंशन, वह मैकबेथ को सबको समझाती है कि कैसे उसके घर राजा खुद चल के आ रहा है, अगर उसका मर्डर वहीं कर दिया जाए तो वह बहुत जल्दी राजा बन सकता है, और वह उसको एडवाइस देती है अपने प्लान से कि कैसे वह इनोसेंस के साथ ये सब कुछ करेंगे और सब कुछ एक छुपे हुए सांप की तरह सब कुछ कर लेंगे, और मैकबेथ को राजा बनाने में कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि यह भी रानी बनना चाहती है। तो इस तरीके से सीन फाइव में इन लोगों का प्लानिंग होता है और राजा इनके कैसल में आ चुका होता है। एक्ट वन सीन सिक्स में क्या होता है, डंकन जो है वो थेन्स के साथ, बहुत सारे अधिकारियों के साथ, अपने बच्चों के साथ वह मैकबेथ के कैसल में आ चुका है, और ये लोग यहां रुकते हैं, पार्टी करते हैं, और बहुत तारीफ होती है मैकबेथ की। लेडी मैकबेथ भी बहुत खुश है और वह उन लोगों का स्वागत करती है अपने घर में, और वह चाहती है कि मैकबेथ से सब कुछ वह बोले और यह सारा कुछ अंजाम दिया जा सके जल्द से जल्द, ताकि डंकन को मारा जा सके और वह मैकबेथ को राजा बना दे, ठीक है। सीन सेवन क्या होता है,
जैसे ही जो पार्टी हो रही होती है उसके हॉल से मैकबेथ बाहर आ जाता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स थॉट में खोया रहता है कि वह आखिर डंकन को मारेगा कैसे। वह खुद में स्ट्रगल करता है, अपने कॉन्सेंस में स्ट्रगल करता रहता है, दिमाग में स्ट्रगल चलता रहता है और वो सोचता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए और यह एक वाल्टिंग एम्बिशन जो है वो शायद आगे जाकर उसको बहुत बड़ा सजा दे और वह सजा का शिकार हो जाए। इसलिए वह बहुत ही ख्यालों में खोया रहता है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। तो ये सीन 7 दिखाई पड़ता है। लेडी मैकबेथ जो है वो बाहर आती है और मैकबेथ को कहती है कि किसी भी हालत में डंकन को मार डालना है और वो बहुत ही फ्यूरियस हो जाती है और उसे कहती है तुम बहुत डरपोक हो, कॉवर्ड हो और एक जंगली जानवर की तरह तुम्हें बनना पड़ेगा और डर अपने मन में रखने से कुछ नहीं होगा। सी गोड्स हिम बाय सेइंग दैट शी वुड हैव डैश्ड द ब्रेन्स आउट एंड हर ओन बेबी इफ शी हैड प्रॉमिस्ड इट टू हिम। वह कहती है कि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो वह अपने बच्चों के साथ और उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय करेगा और वह कभी भी उसका साथ नहीं देगी आने वाले समय में, और जो कुछ उसने वादा किया है अगर वह नहीं करता है तो वह कभी भी उसके साथ नहीं रहेगी। मैकबेथ जो है वो अंततः राजी हो जाता है और ये लोग उस प्लान को मजबूत करने के लिए और सोचने लगते हैं कि कैसे ये सब कुछ किया जाए और डंकन की हत्या कर दी जाए। ठीक है, इसके बाद मैकबेथ जो है जब राजी हो जाता है तो वह डंकन के गार्ड्स को वाइन दे देती है और उसे ड्रग कर देती है ताकि वो लोग गहरी नींद में सो जाएं और ताकि ये डंकन जो है इजी टारगेट बन सके और ये लोग जो गार्ड्स आए हुए हैं उनको फंसा देंगे कि गार्ड्स ने ही डंकन की हत्या की है और उनके डैगर्स को, उनके जो डैगर्स हैं यानी जो चाकू या हथियार हैं उसमें डंकन के ब्लड को लगा दिया जाएगा और उन्हीं के साथ रख दिया जाएगा। और फिर मैकबेथ जो है डिसाइड कर लेता है कि कैसे अब उसकी हत्या करनी है यानी डंकन को मारना है और यह सारी प्लानिंग फिट हो जाती है। अब यहां से एक्ट टू की शुरुआत हो जाती है। एक्ट टू में क्या होता है, इन द मिडिल ऑफ द नाइट बैंको एंड हिज सन फ्लुएंस अनएक्सपेक्टेडली मीट मैकबेथ। अब बैंको और उसका बेटा फ्लुएंस जो है वो मिलने के लिए मैकबेथ से आते हैं और वो सरप्राइज होते हैं कि अभी तक मैकबेथ जो है वो जगा हुआ है और बैंको जो है उसको एक डायमंड देता है यानी हीरा दिखाता है कैसे डंकन ने उसको धन्यवाद देते हुए दिया था और एक बहुत ही इंजॉयबल इवनिंग यह दिखाई पड़ता है एक्ट टू सीन वन में। बैंको जो है उसे बताता है कि उसने तीनों डायनों को फिर से देखा है और मैकबेथ झूठ बोल देता है एंड ही सेज दैट ही हैज नॉट थॉट अबाउट देम, और उसने कहा है कि उसने कभी भी उन डायनों के बारे में अब सोचा ही नहीं है। लेकिन मैकबेथ के दिमाग में सब कुछ चल ही रहा होता है। एक्ट टू सीन वन में ही वह अकेला जाता है डंकन के चैंबर्स की तरफ जहां राजा सोया हुआ है ताकि उसकी हत्या कर सके। मैकबेथ एक विजन देखता है, दिखाई पड़ता है उसको एक ब्लडी डैगर और वह डिसमिस करता है, सोच को हटा देता है मन से, कहता है कि उसकी हत्या नहीं करेगा। दैट दिस इज द ब्लडी बिजनेस दैट इज काउजिंग हिम टू हेलुसिनेट, यानी उसके मन में सब कुछ चल रहा होता है, एक कल्पना चल रही होती है और तभी क्या होता है, हियर्स द बेल एंड गोज टू किल डंकन। तभी घंटी बजने की आवाज सुनाई पड़ती है और वह ना चाहते हुए भी डंकन को मारने चला जाता है। मैकबेथ जो है लौटता है बहुत ही अलार्म्ड है और उसने कहा कि उसने एक आवाज सुनी है, वह बहुत चिंतित है। सेइंग दैट ही कुड नॉट से आमीन, वह आमीन नहीं कह पाया किसी चीज को लेकर, यानी ऐसा ही हो ऐसा नहीं कह पाया है। ही हर्ड समवन क्राइंग, उसने किसी को चिल्लाते हुए सुना, स्लीप नो मोर, अब कोई मत सो, मैकबेथ डॉथ मर्डर स्लीप, मैकबेथ ने नींद में ही हत्या कर दी है। इस तरीके से मैकबेथ जो है बहुत विचलित रहता है। अब आगे के सीन में ही यानी सीन टू में ही दिखाई पड़ता है, शी सीज दैट ही हैज ब्रॉट द गार्ड्स डैगर्स, वह गार्ड्स के उन हथियारों को ले आता है, उन खंजरों को ले आता है विथ हिम रादर देन प्लांटिंग देम एट द सीन ऑफ द क्राइम, यहां तक कि जो अपराध की जगह है जहां स्पॉट है क्राइम का वहीं पर रख देना चाहिए था उसमें खून लगाकर, तो वहां ना लेकर अपने साथ लेकर आ जाता है मैकबेथ।
और लेडी मैकबेथ जो है वो कहती है कि इसे वापस जाकर वहीं रख दो, बट ही इज टू स्केयर्ड, लेकिन वो बहुत डरा हुआ होता है और वह डैगर्स को लेकर वहां जा नहीं पाता है। लेडी मैकबेथ खुद जाती है और सारी चीजों को वहां पर छुपा देती है। तभी अचानक दरवाजे पर खटखटाहट होने लगती है और वह मैकबेथ से कहती है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़े से पानी से ये सारे जो धब्बे हैं खून के वो साफ हो जाएंगे, डरने की कोई बात नहीं है। तभी जो खटखटाहट दरवाजे पे होती है वो कंटिन्यू होते रहती है, कोई दरवाजा खोलने को कह रहा होता है। तभी पॉटर जो है वो दरवाजा खोलता है, द पॉटर, और मैकडफ वहां पर आता है और लिनॉक्स भी आते हैं जो डंकन से मिलना चाहते हैं। मैकडफ रिमार्क करता है दैट बहुत देर हो गई होगी पार्टी में रात में, इसलिए शायद अभी तक लोग सो रहे हैं, इसलिए ऐसा वह कहता है, इसलिए लोग दरवाजा खोलने में देर कर रहे हैं। अब मैकबेथ जो है वो मैकडफ को ले जाता है डंकन के चैम्बर की तरफ, जहां पर वह ढका हुआ जो लाश है डंकन का उसको खोल के दिखाता है, जो कि एक हॉरिबल मर्डर है। अब मैकडफ जो है बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है और तभी अलार्म साउंड होने लगता है, सारे लोग नींद से जग जाते हैं, सारे थेन्स जग जाते हैं, लेडी मैकबेथ वहां पहुंच जाती है, लिनॉक्स जो है और डंकन के बच्चे जो हैं उनको बताया जाता है कि उसके पिता की हत्या हो चुकी है। मैकबेथ एक्सप्लेन करता है कि उसने देखा कि गार्ड्स ने डंकन की हत्या कर दी है, तो गुस्से में आकर उसने सारे गार्ड्स को मार डाला है, ठीक है, यानी अपनी गलती को छुपाने के लिए सारे गार्ड्स को उसने मार डाला था। अब मैकडफ जो है क्वेश्चन करता है मैकबेथ से कि ऐसा उसने क्यों किया, और मैकबेथ जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन लेडी मैकबेथ जो है वो बेहोश हो जाती है, वह झूठ मूठ का दिखाती है कि वह बहुत परेशान है यह दृश्य को देखकर, है ना। अब बैंको जो है वो सारे लॉर्ड्स के साथ मिलकर शपथ लेता है कि वह इन्वेस्टिगेट करेगा कि मर्डर आखिर कैसे हुई है, और फियरिंग ऑफ देयर लाइव्स और उनके अपने जीवन को लेकर भी और मैलकम की जिंदगी को लेकर भी उसके मन में अब शक हो रहा है। और दूसरी तरफ मैलकम जो है और डोनाल्बेन जो है, यानी दोनों भाई जो हैं डंकन के, दोनों बेटे जो हैं, ये दोनों डिसाइड करते हैं कि मैलकम जो है वो इंग्लैंड चला जाएगा और डोनाल्बेन जो है वो आयरलैंड चला जाएगा, और ये दोनों भाग जाते हैं। एक्ट टू सीन फोर में क्या होता है कि रॉस जो है वो बहुत सारे अननेचुरल थिंग्स को लेकर बताता है कि कैसे घोड़े जो हैं वो वाइल्ड हो चुके हैं और बड़ा अजीब अजीब सब कुछ हो रहा है, घटनाएं अजीब हो रही हैं। वह देख रहा है कि घोड़े एक दूसरे को खा रहे हैं और दिन में रात हो जा रही है। मैकडफ जो है वो एलिगेट करता है, मैकडफ जो है वो मैल्कम और डोनाल्बेन पर आरोप लगाता है कि शायद इन लोगों ने ही घूस देकर गार्ड्स को अपने पिता की हत्या करवाई है। दूसरी तरफ रॉस जो है वो रिपोर्ट करता है कि मैकबेथ जो है अपने आप को राजा घोषित कर चुका है और वह राजा बन गया है। मैकडफ जो है वो वहां ना जाकर उस कोरोनेशन में, यानी जो राज्यारोहण हो रहा था, राज्य का अभिषेक हो रहा था, यानी राजा बन रहा था मैकबेथ, वहां ना जाकर वह फाइफ चला जाता है, जो एक जगह का नाम है, ठीक है, वह खिलाफ है मैकबेथ के, इसलिए वह नहीं जाता है वहां। सो इस तरीके से हम लोग अब एक्ट थ्री में आ जाते हैं। एक्ट थ्री में अब क्या हो रहा है कि बैंको जो है डाउट करता है कि मैकबेथ का ही हाथ जरूर रहा है किंग की हत्या में, यानी डंकन की हत्या में। मैकबेथ जो है इनवाइट करता है बैंको और उसके बेटे फ्लियंस को एक पार्टी में, डिनर पर, और प्लान करता है कि दोनों को रास्ते में ही मरवा दिया जाए, और रास्ते में ही मर्डर सेट कर देता है और बैंको और बैंको के बेटे को मरवाना चाहता है, ठीक है, क्योंकि बताया गया था उन विचेस के द्वारा कि मैकबेथ के बाद जो राजा बनेगा वो बैंको का बेटा बनेगा, ना कि मैकबेथ बनेगा, इसलिए उसने प्लानिंग कर ली है कि अब वो बैंको को मरवा देगा। लेडी मैकबेथ जो है वो मैकबेथ को शांत करती है और कहती है कि जितनी भी चीजें उसने की है पास्ट में उसको भूल जाए। मैकबेथ के दिमाग में चल रहा होता है कि हजारों बिच्छू जो हैं उसके दिमाग में डंक मार रहे हैं, वो बहुत ही बेचैन है अंदर से,
और उसे बहुत ही जलन हो रही है डंकन से, क्योंकि वह नींद में सोया हुआ है कब्र में और इसे नींद बिल्कुल भी नहीं आती है, वह स्लीपलेस नाइट्स बिता रहा है, यानी मैकबेथ जो है उसे नींद ही नहीं आती है रात में, क्योंकि इसके जो कारनामे हैं, जो इसके करतूते हैं, वह उसको सोने नहीं देती हैं, ठीक है। लेकिन लेडी मैकबेथ जो है हमेशा वो मैकबेथ को शांत करती है। बैंको जो है रास्ते में मार दिया जाता है मर्डरर्स के द्वारा, लेकिन फ्लियंस जो है वो भाग जाता है, जो उसका बेटा है वो भाग जाता है, लेकिन बैंको मरते समय चिल्लाता है कि उसे बदला चाहिए और फ्लियंस जो है वो वहां से बच निकलता है, बैंको मारा जाता है। तो ये एक्ट 3 सीन 2 दिखाई पड़ रहा है। सीन 3 में क्या होता है कि अब पार्टी चल रही होती है और एक मर्डरर जो है वो आता है और इन्फॉर्म करता है कि उसने बैंको को मार दिया, लेकिन उसका बेटा जो है वो बचकर निकल गया है। मैकबेथ चिंतित हो जाता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। अचानक वह देखता है कि बैंको का भूत जो है वो आकर मैकबेथ के स्थान पर बैठा हुआ है और उसे देखकर वो बेहोश हो जाता है। लेडी मैकबेथ जो है वह मैकबेथ को शांत करती है और सारे गेस्ट से रिक्वेस्ट करती है, जाने को कहती है। इस तरीके से इस एक्ट में बैंको का भूत दिखाई पड़ता है। मैकबेथ और लेडी मैकबेथ जो है वो आगे डिस्कस करते हैं कि मैकडफ ने इस पार्टी में आने से इनकार कर दिया, ठीक है, और मैकबेथ जो है डिसाइड करता है कि वह अगले दिन जाकर फिर से डायनो से मिलेगा और वो डिस्कस करेगा कि आगे उसको फ्यूचर में क्या करना है, और वो सारी प्रोफेसीज को फिर से जानने के लिए वह मिलना चाहता है डायनो से। अब अगले सीन में तीनों डायने और हिकेट दिखाई पड़ती है। जो हिकेट है वो गॉडेस है विचक्राफ्ट की, वह बहुत गुस्सा होती है अपने तीनों डायनों पर और वह कहती है कि उसे बिना बताए उन लोगों ने कैसे ये भविष्यवाणियां कर दी विदाउट हर परमिशन, और उन लोगों को अपने पास बुलाती है सुबह में और वह कहती है कि मैकबेथ की आगे की डेस्टिनी जो है, उसका भाग्य जो है, वो ये लोग बताएंगी और उसे और भी कंफ्यूज करेंगी, ठीक है। यह सीन यहां दिखाई पड़ता है। अब एक्ट 4 की शुरुआत हो जाती है। यहां क्या होता है, तीनों विचेस जो हैं वो फिर से कास्ट करती है स्पेल, एक बड़ा सा कड़ाही रहता है और वहां पर हिकेट उन लोगों को कंग्रेचुलेट करती है। मैकबेथ वहां पहुंचता है और विचेस जो हैं उसे कुछ विजिबल प्रोफेसीज को दिखाती हैं, यानी जो भविष्यवाणियां हैं मैकबेथ के बारे में उसे दिखाती हैं, उस कड़ाही के ऊपर दिखाई पड़ता है। और क्या क्या दिखाती हैं वो, पहला दिखाती हैं कि एन आर्म्ड हेड appears, एक armed head है जो सामने दिखाई पड़ता है और कहता है कि मैकबेथ should beware of मैकडफ, उसे मैकडफ से सावधान रहने की जरूरत है। ये पहली भविष्यवाणी ये डायने करती हैं। फिर secondly कि a bloody child appears, एक bloody child जो दिखाई पड़ता है और कहता है none of women born shall harm मैकबेथ, और कोई भी एक बच्चा जो है जो माँ के पेट से जन्म लिया है वो मैकबेथ को कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकता, यानी माँ के गर्भ से पैदा हुआ बच्चा मैकबेथ को नहीं मार सकता है। यह सुनकर मैकबेथ बहुत खुश हो जाता है क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो कि माँ के पेट से जन्म नहीं लेता है, लेकिन इसका मतलब कुछ और ही होता है जो कि आपको आगे पता चलेगा। तीसरा, अ क्राउन चाइल्ड होल्डिंग अ ट्री अपीयर्स, एक पेड़ को हाथ में लेकर एक क्राउन चाइल्ड जो सामने नजर आता है वह कहता है ही विल नेवर बी डिफीटेड, वह कभी भी हराया नहीं जाएगा जब तक कि ग्रेट बिरनम फॉरेस्ट, यहाँ बिरनम जंगल देख रहे हैं, जब तक ये बिरनम का जो जंगल है वह चलकर आगे नहीं बढ़ता हुआ, चलता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा और वो हाई डेंसियन हिल की तरफ जब तक नहीं आएगा तब तक मैकबेथ को कोई हरा नहीं सकता, यानी जंगल जब तक चलकर उसके राज्य की तरफ नहीं आएगा तब तक कोई उसको हरा नहीं सकता। तो ये सब कुछ मैकबेथ को इम्पॉसिबल लगता है, लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता है कि जंगल चलकर कभी आएगा, लेकिन इसका मीनिंग कुछ और होता है। ये सुपरनेचुरल एलिमेंट्स जो हैं वो इसको कंफ्यूज कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, इनके कहने का अर्थ कुछ अलग होता है, लेकिन मैकबेथ जो है वो अपनी तरफ से सोचता है और उसे लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ होगा और इसे कभी हराया नहीं जा सकता, ना इसकी मौत हो सकती है। तो इस तरीके से ये सारी प्रोफेसीज, फिर से ये भविष्यवाणियां की जाती हैं इन डायनों के द्वारा और मैकबेथ जो है वो बहुत खुश हो जाता है। एक्ट 4 सीन 1 में दिखाई पड़ता है कि मैकबेथ जो है वह इनसे पूछता है कि बैंको और बैंको के बेटे के बारे में बताओ, सलाह दो, लेकिन वो कोई सलाह नहीं देती है। बल्कि वहां एक और दृश्य दिखाई पड़ता है जहां 8
राजा दिखाई पड़ते हैं और बैंको का घोस्ट दिखाई पड़ता है, भूत दिखाई पड़ता है और मैकबेथ बहुत टेरिफाइड हो जाता है, डर जाता है और बहुत गुस्सा हो जाता है और ये सारी डायने जो हैं वो गायब हो जाती हैं। इस सीन में लिनॉक्स जो है वो आता है और बताता है कि मैकडफ जो है इंग्लैंड भाग गया है और मैकबेथ जो है वो कसम खाता है, शपथ लेता है कि मैकडफ और उसके पूरे परिवार को मार डालेगा, उसके बच्चों को मार डालेगा, उसकी पत्नी को मार डालेगा। दूसरी तरफ रॉस जो है वो लेडी मैकडफ को वार्न करता है कि उसे भी इंग्लैंड भाग जाना चाहिए, लेकिन वह इनकार कर देती है। इसी बीच वहां मर्डर्स पहुंचते हैं और मैकडफ को ढूंढते हैं। मैकडफ को न पाकर ये लेडी मैकडफ और उसके दोनों बच्चों को मार डालते हैं। इस तरीके से ये एक्ट फोर सीन वन और टू दिखाई पड़ता है। एक्ट फोर सीन थ्री में मैकडफ जो है वो मैलकम को इन्फॉर्म करता है कि स्कॉटलैंड बहुत ही बुरी स्थिति में चल रहा है, यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन मैकडफ की लॉयल्टी पर वो शक करता है कि हो सकता है कि यह मैकबेथ की तरह मैकडफ भी कहीं बदल ना जाए। लेकिन जब वह अपना दुख दिखाता है तो बाद में मैलकम तैयार हो जाता है और मैकडफ की बातें मान लेता है। इन द मीन टाइम रॉस जो है वो आता है और मैकडफ को बताता है कि कैसे मैकडफ के परिवार को यानी उसकी पत्नी और उसके बच्चों को कैसे ब्रूटली मार दिया गया है। अब मैलकम को कोई भी शक नहीं रहता है मैकडफ पे और वह शपथ लेता है और मैलकम जो है तैयार हो जाता है ओल्ड सिवार्ड के साथ और 10,000 लोगों के साथ कि वह स्कॉटलैंड पे अब वह आक्रमण करेगा। ठीक है, इस तरीके से ये आक्रमण की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अब एक्ट फाइव में, एक्ट फाइव सीन वन में लेडी मैकबेथ जो है वो नींद में चलती है। वह देखती है कि जितने भी लोग हैं जिनकी हत्या की गई है उसको आसपास देखती है, वह बिल्कुल पागल हो चुकी है। वह अपने हाथ को बार बार धोती है और उसके हाथ में जो भी लगा हुआ ब्लड का जो स्टैन है उसको साफ करना चाहती है और वह पागलपन में कहती है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीट इन दिस लिटिल हैंड। वो कहती है कि अगर पूरे अरब का जो परफ्यूम है वो भी पूरे हाथों में लगा दिया जाए तो मेरे हाथ से इन लोगों के खून का जो बदबू है वो जा नहीं सकता। यानी वह बहुत परेशान हो चुकी है, अब वह बिल्कुल पागल हो गई है। सीन टू में दिखाई पड़ता है कि जो थेन्स हैं वो डिस्कस करते हैं और इंग्लिश आर्मी के साथ मिल जाते हैं, यानी स्कॉटलैंड के जो लोग हैं वो मिलकर मैलकम सीवार्ड और मैकडफ के साथ मिलकर तैयारी करते हैं मैकबेथ के ऊपर आक्रमण करने के लिए। मैकबेथ इज इन डनसिनन बट हिज मेन आर राइजिंग अप अगेंस्ट हिम। दूसरी तरफ मैकबेथ के खिलाफ उसके सारे लोग जो हैं वो हो रहे हैं और सब लोग उसे मिलकर कह रहे हैं कि वह पागल हो चुका है और लालच में आकर इतनी हत्याएं कर चुका है। द ग्रुप बिगिन देयर मार्च टुवर्ड्स बिरनम फॉरेस्ट, और ये जो ग्रुप है जो आक्रमणकारी लोग अब हैं वह बिरनम फॉरेस्ट की तरफ चल देते हैं, उस जंगल की तरफ चल देते हैं। मैकबेथ जो है एंग्रीली डिसमिसेस दोज हु ब्रिंग हिम रिपोर्ट्स ऑफ अटैक, जो कोई भी लाके कहता है कि उसके ऊपर आक्रमण होने वाला है तो वह बात मानता नहीं है। वह बार बार अपने आप को कहता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता है, वह हार नहीं सकता है। जो विचेज ने भविष्यवाणियां की हैं वो तो सब सही होती आई हैं तो इसे कोई मार नहीं सकता है। दूसरी तरफ डॉक्टर बताता है कि वह लेडी मैकबेथ की मदद नहीं कर सकता है और वह बिल्कुल भी आराम नहीं कर पा रही है, उसे नींद नहीं आती है, उसे बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा है। तो ये डॉक्टर लाकर मैकबेथ को बताता है। अगले सीन में स्कॉटिश लॉर्ड्स जो हैं वो मिलकर मैलकम मैकडफ और उनकी जो सेना है वो बिरनम के जंगल के जो बॉज हैं यानी डालियां हैं पेड़ों की वो काट कर अपने शरीर पे बांध लेते हैं और ऐसे चलते हैं मानो कि ऐसा लगता हो कि यह जंगल आगे की ओर चल रहा है। तो यह जो भविष्यवाणी उन डायनों ने की थी कि जब तक बिरनम का फॉरेस्ट चलता हुआ दिखाई ना पड़े तब तक मत समझना कि तुम्हें कोई हरा सकता है, तो यह बिरनम का फॉरेस्ट चलता हुआ दिखाई पड़ने लगता है। तो देख रहे हैं कि किस तरह से उनकी बातों का मीनिंग कैसे बिल्कुल उल्टा है ना, और उसकी कुछ और मीनिंग दिखाई पड़ती है यहां पे। सीन फाइव में क्या होता है, मैकबेथ को इन्फॉर्म किया जाता है कि लेडी मैकबेथ जो है वो मर चुकी है, उसने सुसाइड कर लिया है, आत्महत्या कर ली है उसने। मैकबेथ जो है अब बिल्कुल टूट चुका है और वह कहता है
कि लाइफ के बारे में कहता है कि अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, जिंदगी क्या है, एक मूर्ख के द्वारा कही हुई कहानी है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, जहां पर सिर्फ ताम झाम आवाज और दिखावा है, सिग्निफाइंग नथिंग, इसमें कुछ और नहीं बचा है। जिंदगी एक इडियट की कहानी है जो कि साउंड और फ्यूरी से भरा हुआ है और इसमें कुछ भी खास नहीं है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये पूछता है। तभी एक मैसेंजर आता है और इन्फॉर्म करता है कि उसने देखा है कि बिरनम का जंगल जो है वो आगे की ओर बढ़ रहा है, डनशियन हिल की तरफ बढ़ रहा है। मैकबेथ जो है यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है और अननर्वड हो जाता है, उसके मन में डर आ जाता है और वह देखता है कि जो भविष्यवाणियां थी वो सच हो रही हैं, लेकिन वह शपथ लेता है कि वह मरेगा भी तो लड़ते हुए मरेगा, ठीक है, यानी वह कभी भी हार नहीं मानता है। सीन 6 और 7 में क्या दिखाई पड़ता है कि मैलकम की आर्मी अटैक कर देती है, मैकबेथ डिक्लेयर करता है कि वह खुद लड़ेगा और वह एकदम रिअश्योर करते हैं अपने आप को कि भविष्यवाणी है कि वह हार नहीं सकता है, कोई उसे हरा नहीं सकता है जो कोई भी मां के पेट से जन्म लिया है। लेकिन तभी मैकडफ आता है उसके महल में और बदला लेने के लिए आता है मैकबेथ से, क्योंकि उसने उसके परिवार को मरवा दिया था। मैलकम और सीवार्ड जो हैं, जो इसके सहयोगी हैं, वो सब कैसल में एंटर करते हैं और अटैक कर देते हैं मैकबेथ के ऊपर। एक्ट 5 सीन 8 में बहुत ही शानदार सीन दिखाई पड़ता है जहां पर आखिरी जो भविष्यवाणी है वो सच हो जाती है। मैकडफ जो है वो कन्फ्रंट करता है, सामने आ जाता है और मैकबेथ और मैकडफ के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी मैकबेथ जो है क्लेम करता है कि उसे हराया नहीं जा सकता, वह अजेय है, उसको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उसके जीवन में एक खास बात है, जो कोई भी मां के गर्भ से पैदा हुआ है उसे मार नहीं सकता। लेकिन मैकडफ एक सच्चाई सामने लाता है कि उसका जन्म मां के गर्भ से नहीं हुआ है, अनटाइमली उसे मां के गर्भ से ऑपरेट करके निकाल लिया गया था, नेचुरली उसका बर्थ नहीं हुआ है, मां के गर्भ से उसका जन्म नहीं हुआ है। यह सुनकर मैकबेथ की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं और वह पाता है कि जो विचेज थी उनकी जो भविष्यवाणी थी वो सच हो गई और मैकडफ जो है बड़े आसानी से मैकबेथ को मार डालता है और यहां मैकबेथ की डॉग्स डेथ होती है, यानी कुत्ते की तरह मौत हो जाती है और मैकबेथ मारा जाता है। और अब हम लोग फाइनल सीन में पहुंचेंगे। मैकडफ जो है वो आता है, मैकबेथ का कटा हुआ सर लेकर आता है और वह कहता है मैलकम को कि अब आप राजा हो स्कॉटलैंड के। मैलकम जो है वो सम्मान देता है इन सारे लड़ने वाले लोगों को और इस टिरैनी वाले शासन का अंत देखकर वो कहता है दिस डेड बूचर एंड हिज फेंड लाइक क्वीन, कि ये कैसे बूचर जैसे राजा और एक बुराई की रानी कैसे इसका अंत हो गया। ही इनवाइट्स देम टू सी हिम क्राउन्ड और सारे दोस्तों को बुलाकर कहता है कि अब उसकी ताजपोशी होगी और इस तरह से मैलकम जो है वो स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है और मैकबेथ का अंत हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड दिस इंटरेस्टिंग ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। बाय बाय।